हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वुमन एंटरप्रेनर, यानी कि वुमन एंटरप्रेनर है उनको किस किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 की पार्ट नंबर 2 वीडियो है। प्रीवियस वीडियो इससे पहले हमारे एंटरप्रेनर डेवलपमेंट वाले चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ वुमन एंटरप्रेनर। वुमन एंटरप्रेनर कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज, लक एंटरप्रेनर, इन बॉर्न एंटरप्रेनर्स, शेप्ड एंटरप्रेनर्स, कंपेल्ड एंटरप्रेनर्स एंड नॉमिनल एंटरप्रेनर्स। तो देखिए, लक एंटरप्रेनर स्टार्ट बिजनेस विदाउट एनी प्रिपरेशन, यानी कि कोई उन्होंने प्रिपरेशन नहीं करी है, लक के बेस पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया है अपना नई एंटरप्राइज। देखो, दिस टाइप ऑफ वुमन एंटरप्राइज एंड वुमन एंटरप्रेनर स्टार्ट बिजनेस विदाउट एनी प्रिपरेशन, कोई प्रिपरेशन नहीं करी है, क्लियर गोल्स और क्लियर प्लान्स, यानी कोई उनकी क्लियर विजन नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, कोई प्लान नहीं है उनका। दे एस्टैब्लिश्ड बिजनेस टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटीज विच दे कम अक्रॉस, वो उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया है कि जो अपॉर्चुनिटीज उनको मिली हैं उसके रास्ते में आई उनको एक्सप्लॉइट करना है, ठीक है। आगे है इनबॉर्न एंटरप्रेनर, इनबॉर्न एंटरप्रेनर कौन होते हैं, जो बिजनेस को प्रोफेशन के रूप में लेके चलते हैं, ठीक है, टेक बिजनेस एज अ प्रोफेशन, यानी कि उनमें इनबिल्ट क्वालिटी थी किसकी, एंटरप्रेनर की। तो इनबॉर्न एंटरप्रेनर, दीज वुमन एंटरप्रेनर्स टेक बिजनेस एज अ प्रोफेशन के रूप में बिजनेस को लेके चलते हैं। दीज आर मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट फैक्टर एंड कीप देमसेल्फ बिजी, यानी कि वो अपने किस चीज़ से मोटिवेट करते हैं अपने आप को कि प्रॉफिट कमाएंगे और अपने आप को फिर उसमें बिजी रखते हैं, क्योंकि वो उनका प्रोफेशन हो गया, वहाँ से उनको प्रॉफिट मिलेगा और प्रोफेशन के अंदर वो अपने आप को बिजी रखते हैं, ठीक है। इनबॉर्न एंटरप्रेनर, शेप्ड एंटरप्रेनर जो कि एनकरेज्ड एंड ट्रेन्ड है, मतलब अपने आप को उन्होंने शेप प्रोवाइड करी है ट्रेनिंग लेके। शेप्ड एंटरप्रेनर, दिस वुमन एंटरप्रेनर्स आर एनकरेज्ड, मतलब उनको एनकरेज किया गया है एंड ट्रेन विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू, सच एज एंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम टू एस्टैब्लिश अप देयर ओन बिजनेस यूनिट्स। लाइक उनको जो ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए गए हैं, कौन कौन से, एंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम टू एस्टैब्लिश अप देयर ओन बिजनेस यूनिट, खुद की बिजनेस यूनिट को एस्टैब्लिश करने के लिए एंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी गई है, शेप्ड, अपने आप को शेप किया है ट्रेनिंग के थ्रू। कंपेल्ड एंटरप्रेनर, देखो, दिस वुमन एंटरप्रेनर आर कंपेल्ड बाय सर्कमस्टांस सच एज डेथ ऑफ फादर और हस्बैंड टू लीड द एग्जिस्टिंग बिजनेस यूनिट्स आर कॉल्ड कंपेल्ड एंटरप्रेनर। कंपेल्ड मतलब उनको कंपेल किया गया है, वो बनना नहीं चाहते थे, कुछ भी करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको कंपेल किया गया है। लाइक उनके फादर की डेथ हो गई तो उनका बिजनेस उनको संभालना पड़ा, लाइक उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो उनका बिजनेस उनको संभालना पड़ा, तो यानी वो चाहती नहीं थी, उनको कंपेल कर दिया गया सर्कमस्टांसिस ने कि उनको एंटरप्रेनर बनना पड़ा, तो होगा कंपेल्ड एंटरप्रेनर। आगे है नॉमिनल एंटरप्रेनर, दूज वुमन हु एक्ट एज फेकेड फॉर बिजनेस ऑफ देयर हस्बैंड और फादर और रिलेटिव। देखो, नॉमिनल मतलब उनको आगे नॉमिनी बनाया गया था कि अगर फादर का बिजनेस खत्म हुआ तो, मतलब फादर नहीं रहे तो उनकी बेटी रहेंगी, अब आगे जो है आगे उनके सक्सेशन प्रोग्राम में आगे भाग लेगी, और अगर हस्बैंड है या रिलेटिव है तो भी ऐसे, तो नॉमिनल एक्स एंटरप्रेनर हो गई, उनको एज अ नॉमिनी उनको एंटरप्रेनर बनना पड़ा, ठीक है, कि फादर नहीं रहे तो वो, ठीक है। तो ये देखिए, हमने इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि वुमन एंटरप्रेनर को किन किन भागों में डिवाइड किया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ वुमन एंटरप्रेनर। तो 5 टाइप के थे, लक एंटरप्रेनर, इनबॉर्न एंटरप्रेनर, शेप्ड एंटरप्रेनर, कंपेल्ड एंटरप्रेनर एंड नॉमिनल एंटरप्रेनर। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये 5 एंटरप्रेनर कौन कौन होते हैं आपको पता चला होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनोजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।